नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज देश प्रदेश के साथ जबलपुर में भी गणतंत्र दिवस का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस लागू होने के वर्षगांठ के अवसर पर यह प्रोग्राम पूरे देश भर में मनाया जाता है। और इसी प्रोग्राम के कवरअप के लिए आज हम जबलपुर के कुछ प्रमुख स्कूलों का रुख करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इस त्यौहार को लेकर के, इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर के कैसा माहौल है, कैसा उत्साह है और छात्र और शिक्षकों के बीच इस कार्यक्रम को लेकर के क्या बेहतर तैयारियां, क्या कुछ नए अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर छात्रों को जो मध्याह्न भोजन मिल रहा है उसके बारे में क्या विशेष है, इस बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। खाना बहुत अच्छा मिला है बच्चों को और रुचिकर है उनके हिसाब से। छोले में भी उनको पसंद आते हैं, खीर भी पसंद आती है, पूड़ियाँ भी पसंद आती हैं आज का भोजन। और विशेष तो उनको लड्डू मिल रहे हैं जो उनके लिए खुशी का माहौल बना देते हैं। और आपका हम परिचय जानना चाहिए। मैं सुनीता तिवारी हूँ, प्रभारी शासकीय प्राथमिक शाला रामपुर। और इसके अलावा मध्याह्न भोजन को लेकर के लगातार शासन प्रशासन पर कई सवाल उठते रहते हैं, तो आज तो काफ़ी रुचिकर भोजन मिल रहा है। क्या मेनू के हिसाब से प्रतिदिन वही भोजन उपलब्ध कराया जाता है? हाँ, प्रतिदिन मेनू के हिसाब से ही भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मतलब जैसा कि शासन प्रशासन के ऊपर सवाल उठते हैं तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली? नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। और इसके अलावा आज तरुण भनोत जी मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम को लेकर के क्या विशेष तैयारियाँ की जा रही हैं? बहुत अच्छी तैयारियाँ हुई हैं, उनका हमारी शाला परिवार स्वागत करता है और वो आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और बच्चों के बीच बैठकर वो मध्याह्न भोजन ग्रहण करेंगे। हमारी पूरी तैयारियाँ हैं। मैम, आप भी थोड़ा सेफ रहे। एक चीज़ हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि जैसे कि नगर निगम की सहायता से इन बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है हर दिन, आज मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री महोदय आ रहे हैं तो हमने देखा कि कुछ अलग से तैयारियाँ की जा रही हैं, तो इसके पीछे क्या समझा जाए कि नगर निगम से जो उपलब्ध होने वाला भोजन होता है उसकी गुणवत्ता में कमी होती है कि उन्हें अतिरिक्त तौर पर तैयारियों के साथ भोजन यहाँ पे बनवाया जा रहा है आपके किचन में, तो क्या ऐसा क्या है इसके पीछे का क्या कारण? सारा भोजन तो पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए थोड़ी व्यवस्था की है। वैसे भोजन बन गया कोई वह बनी है वही भोजन को कराना है इसलिए रखा है कि थोड़ा कम होएगा कि वहाँ से अब सब स्कूलों में भेजा जाता है तो कम ना हो इसलिए उसकी पूर्ति के लिए, और कोई बात नहीं। और स्कूलों में जलपान की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था और फिर उसके बाद भोजन पश्चात जो हाथ धुलने की व्यवस्था होती है तो किस तरह से होती है यहाँ? यहाँ नल लगा हुआ है, उसमें हैंड वॉश रख देते हैं, बच्चे उससे हाथ धोते हैं। चलिए, और पीने का पानी बाई ग्लास फिल्टर में भर के रख देती है, फिल्टर से नल चला चला के बच्चे पर। आज कौन सा पर्व था? आज 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? झंडा तिरंगा फहराते हैं। और इसको बोला क्या जाता है आपको पता है क्या? हाँ, क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। अच्छा, गणतंत्र दिवस को क्या हुआ था आप लोगों में से किसी को पता है क्या?
कौन बताएगा, बताइए। कौन बताएगा, चलिए खड़े होकर के बता दीजिए, जो भी जिसको बोलना है जोर से। अपना संविधान लागू हुआ। आप लोगों को क्या मिलता है? सोमवार को कड़ी चावल, मंगलवार को खीर पूरी छोले की सब्जी, और बुधवार को वो दाल चावल वो बड़ी की सब्जी, और गुरुवार को वो सब्जी रोटी दाल, और शुक्रवार को खिचड़ी, और शनिवार को वो रोटी और सब। क्या खाना मिल रहा है आज आप लोग को? खीर पूरी सब्जी जी। और बताइए ये किस क्लास के बच्चे हैं मैम? ये सब आधे वहाँ निकाल पाएंगे। अच्छा जी, आप लोगों को खाना रोज क्या मिलता है? दाल चावल रोटी सब्जी खीर पूड़ी चावल सब चीज़ मिलता है। मतलब अलग अलग रोज मिलता है ना, कभी ऐसा तो नहीं होता कि लगातार एक ही तरीके का खाना मिले जी। और आज गणतंत्र दिवस है, तो आप लोगों ने त्योहार ये जो राष्ट्रीय पर्व है इसे किस तरीके से मनाया? अच्छे से मनाया। कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी आप लोगों ने दी थी क्या? हाँ जी। और देशवासियों से, जो हमारा ये देश है सुंदर सा भारत देश, तो उन्हें आप लोग क्या कहना चाहते हैं? पूरे देश के देश को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई कैसे देना चाहते हैं बताओ बेटा? गणतंत्र दिवस पर सबको बधाई। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।